हम लोग जो है अभी प्रसादी ग्रहण करने के बाद चप्पल भूल के आ गए हैं उधर, शाम को देखेंगे। अभी हम साइट सीनिंग के लिए जा रहे हैं। हम लोग आज 6 टेम्पल्स है टोटल, शेयरिंग में हम लोग जा रहे हैं। शेयरिंग में ठीक पड़ता है दो लोगों के लिए। बालाजी पादू पाप विनाश, आकाश गंगा, वेणुगोपाल मंदिर, शिला तोरण और चक्कर तीर्थ, छह मंदिर। चलिए यात्रा का मजा लीजिए सब लोग साथ में। जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय गोविंदा। भैया कितना साल हो गया आपको इधर? 12 साल है जी। ओके, ही हैज कंप्लीटेड हिज 12 इयर्स इन ड्राइविंग एंड दिस वन फैमिली आल्सो विद अस। वेयर आर यू फ्रॉम? बैंगलोर। आई एम बेसिकली फ्रॉम वृंदावन, मथुरा, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि हम काफी ऊंचाई पर जा रहे थे इसीलिए हमें बारिश भी लगातार देखने को मिल रही थी, और अभी हमें यहाँ से और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था, और मैं वीडियो भी बड़े हिसाब से बना रहा था। बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मन प्रसन्न है तो फिर हमें बढ़ते जाना है। ये हम जो अभी दर्शन करने के लिए आए हैं ये है श्रीवरी पादालू। यहाँ बालाजी भगवान के प्रथम चरण पड़े थे इसीलिए उसको श्रीवरी पादालू बोला जाता है। इतनी ऊपर से चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख मन अति प्रसन्न हो रहा था। भक्त लोग श्री बालाजी के चरण कमलों के दर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे। यह वही चरण कमल हैं जिसके सारे के सारे भक्त लोग नीचे दर्शन कर रहे हैं एक एक करके। मैंने भी फ़ोटो लेने की काफ़ी कोशिश की लेकिन भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पीत वर्ण में जो आपको दिखाई दे रहा है वही श्री बालाजी के चरण कमल हैं। इनकी हमने भी पूजा की, सेवा की। इसको क्या चीज़ बोलते हैं? ये जो बांध के जाते हैं इसको क्या चीज़ बोलते हैं? अभी हम जो है जा रहे हैं चक्र तीर्थ और शिला तोरण, नेचुरल स्टोन आर्क। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा दूसरा और तीसरा स्पॉट है, तो ये एक ही जगह पर है। चलिए चलते हैं। जय गोविंदा, जय गोविंदा। यह शिला तोरण केवल इंडिया में ही नहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि यह पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के तीन ही शिला तोरण हैं, एक इंडिया में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा ब्रिटेन में। और जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं उनकी गणना के अनुसार यह शिला तोरण करीबन 150 करोड़ साल पुराना है। मौसम की मार को झेल गया, हर चीज़ को झेल गया, आपदाओं को, विपदाओं, भूकंप को, हर चीज़ को झेल के भी यह ऐसा का ऐसा जस के तस खड़ा हुआ है। करोड़ों साल पुरानी इस प्राकृतिक संरचना की खूबसूरती भी बहुत ही बेमिसाल थी, बेजोड़ थी। बहुत आनंद आया इसे देख के, हमारा हृदय बहुत प्रसन्न हो गया। वास्तव में इसकी खूबसूरती का वर्णन हम कर ही नहीं सकते, यह इतना सुंदर था। सभी पर्यटक यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, फ़ोटो सेशन चालू था, और बिलोटा जी ने भी यहाँ पर सबके साथ फ़ोटो खिंचवाया। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यही है नेचुरल स्टोन आर्क, मतलब शिला तोरण। अब हम जा रहे हैं चक्र तीर्थ। ये शिला तोरण से थोड़ा सा ही आगे है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, हाँ एक ही स्पॉट पे है। ये बेचारे मुर्गों के बीच में मोर को फंसा दिया गया है। चलो चलो जल्दी चलो, छुआ गुस्से से देख रहा है। हम लोग चक्र तीर्थ दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोग लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। आजू बाजू की सुंदर सुंदर दुकानें भी हमारे मन को मोह रही थी, और कुछ लोगों ने मुंडन भी कराया हुआ था, शायद वो लोग पहले से दर्शन करके आ गए थे। और जो है हम सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे, फिर सीढ़ी उतरते भी जा रहे थे, फिर हमको सीढ़ी उतरनी थी और सीढ़ी चढ़नी थी। सुंदर सुंदर नज़ारे हम चारों तरफ देखते जा रहे थे, और हमारा मुख्य उद्देश्य था इस समय दर्शन करना। ये एक बाजू में तालाब था उधर, और मैं तो ऊपर आ गया था, बिलोटा जी नीचे थे। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने फ़ोटोशूट सेशन में घुसे हुए थे। जय गोविंदा, जय श्री राम। ये आ गए हम सामने चक्र तीर्थ, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन हमने बहुत ही शांति से सुंदर दर्शन किए। तो चक्र तीर्थ के दर्शन कर लिए अभी हमने। अब हम जो है जा रहे हैं चौथे स्पॉट की तरफ।
चलिए बने रहिए साथ में, कहीं मत जाइएगा। अब हम लोग जा रहे हैं वेणुगोपाल मंदिर, वेणुगोपाल मंदिर के दर्शन करेंगे, तो साथ में बने रहिएगा। तो हम लोग आ गए हैं अब वेणुगोपाल मंदिर, हम वेणुगोपाल जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पर। तो चलिए दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ की हमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर जो है लकड़ी के बने हुए बहुत सुंदर सुंदर सामान थे। दुकानें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी और उन पर मिलने वाले सामान भी बहुत अच्छे थे, नग, मोती, अंगूठी, लकड़ी के बने हुए सुंदर सुंदर सामान। बारिश भी हो रही थी और हम लगातार चलते ही जा रहे थे। तो ये है वेणुगोपाल मंदिर। तो हमने जो है यहाँ पर वेणुगोपाल जी के दर्शन कर लिए हैं। वेणुगोपाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जो है वापस जा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज। अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं आकाश गंगा के लिए। आकाश गंगा का स्थान यहीं से है, अंदर थोड़ा नीचे उतर के 150 सीढ़ियां हैं, 150 स्टेप्स, वो उतर के आपको नीचे जाना पड़ेगा। गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट रमुना गोविंदा, जय श्री राम जय हनुमान। धीरे धीरे बढ़ते गए, बिलोटा जी भी आ रहे हैं मंदिर के लिए और यहाँ पर हम पहुँच गए आकाश गंगा। ये आप देख रहे हैं दो पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था और भीड़ भी काफ़ी थी, तो हमने दूर से ही दर्शन किए। ये अब हम आए हैं दर्शन करने के लिए पाप विनाशनम। तो ये छठवा स्पॉट है हमारा तिरुमाला का, तो अब हम यहाँ दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपना मेन बालाजी दर्शन करने के लिए। ठीक है बेलोटा जी। लगातार चलने के कारण पैर में काफ़ी दर्द होने लग गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं बेलोटा जी भी लंगड़ा के चल रहे हैं क्योंकि उनके भी पैर में दर्द था। हम अब लगातार चलते जा रहे थे भक्तों के साथ, आनंद भोर होकर, आनंद में मग्न होकर, बस चारों तरफ के नज़ारे का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। छोटी छोटी दुकानें थी, फ्रूट सलाद था, फल थे, कपड़ों की दुकानें थी, खिलौने, सभी बच्चे भी थे, बहुत उत्साह के साथ जा रहे थे और ये बिलोटा जी नीचे उतर रहे थे। पाप विनाशनम मतलब पापों का नाश करने वाला, यह स्थान है पाप विनाशनम, सामने मंदिर है। यहाँ भी हमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने आनंद लिया। यहाँ पर बंदर भी थे काफ़ी सारे, ये बंदर हमारे यहाँ के बंदर से थोड़े से अलग थे, लंबी पूंछ वाले। तो ये है पाप विनाशनम, यहाँ होता है सभी पापों का नाश। तो सभी पापों का नाश करने के लिए यहाँ पर आचमन कर लो, पैर धो लो।